चलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल में, इस भारत के सबसे बड़े YouTube चैनल में। और साथियों, मैं हूं मनमोहन पटेल और आप लोग देख रहे हैं मनमोहन सर की इंग्लिश क्लास। साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं वास्तव में आप लोगों को जो क्लास देने वाला हूं या जिस क्लास को आप पढ़ रहे हैं वो वास्तव में एक मिसाइल है। मिसाइल है, आप समझ जाइए। दुनिया की सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक, एसएससी, पीओ, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा टॉपिक्स में से प्रीपोजिशन का टॉपिक जो सबसे ज्यादा डाउटफुल रहता है। लेकिन मैं आज आप लोगों के डाउट को भी क्लियर कर दूंगा और इस क्लास में बताने वाला हूं बिटवीन और अमाउंट के बीच में क्या अंतर है, आपको बिटवीन का यूज कैसे करना है और अमाउंट का यूज कैसे करना है। प्रीपोजिशन के इस चैप्टर में और इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत के इस सबसे बड़े YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अपने अपना पेन निकालिए और अपनी अपनी कॉपी निकालिए और नोट कर लीजिए वो सारे डाउट्स जो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि मैं आज क्लियर करने वाला हूं। ये समझ जाइए कि ये सिर्फ डाउट क्लियर नहीं बल्कि अमोंग और बिटवीन में, दोनों के बीच में, इन दोनों पर मैं सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला हूं। आपका पर्दा फाश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से, आपको वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक का पूरा देखना है और उसके बाद बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। ये सब कह में बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। चलिए, स्क्रीन मैंने खोल दी है और आपके स्क्रीन पर सारी चीज खुल करके आ गई है। इसमें देख रहे हैं, एक तरफ मैंने बिटवीन लिखा और एक तरफ मैंने अमाउंट लिखा, AMONG अमाउंट। जिस दोनों का हिंदी अर्थ की यदि मैं बात करूं तो हिंदी अर्थ दोनों का एक ही समान है। अमंग और बिटवीन का हिंदी अर्थ है के बीच में या के मध्य में। यहां पर चलिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग, अभी नोट करिए, बाद में नोट नहीं करना, अभी करिए। बिटवीन और अमंग का हिंदी अर्थ क्या है दोस्तों, के बीच में या के मध्य में, ये आपने चलिए नोट कर लिया। नोट करने के बाद मेरे दोस्तों, अब यहां पर एक ये लिखा है, मैं आपको बता दूं, आपको नोट कर लेना है, बिटवीन का यूज कब करते हैं, सेंटेंस में बिटवीन का यूज कब करते हैं। बिटवीन का यूज मेरे दोस्तों उस समय किया जाता है जब आपका दो व्यक्ति हो या दो वस्तुएं हो या समय की अवधि हो, है ना, या दो स्थान हो, यानी कि दो के अर्थ के बीच में। बिटवीन का यूज कहां करते हैं, दो के अर्थ के बीच में। यहां पर लिखा है बिटवीन का यूज दो के अर्थ के बीच में किया, चाहे वो दो व्यक्ति हो, पर्सन हो, या प्लेसेस हो, या समय की अवधि हो, जैसे एक और दो बजे के बीच में खाता है, वह 10 और 11 बजे के बीच में सोता है, इस टाइप से कोई समय की अवधि हो वहां पर भी बिटवीन का यूज करते हैं। थिंग्स, कोई चीज हो ना, तो वहां पर भी। लेकिन आपको बिटवीन का यूज कहां करना है, इस चीज के लिए ध्यान देना है, दो दो के अर्थ में बिटवीन का यूज किया जाता है। और अमंग का यूज मोर देन टू, दो से अधिक के अर्थ के बीच में किया जाता है ना, दो से अधिक, मोर देन टू लिखा है ना, मोर देन टू, इसको भी आप नोट कर लें। अमंग का यूज दो से अधिक के बीच के अर्थ में किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ सेम होता है, के बीच में या के मध्य। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया ये बात, आपका पर्दाफाश। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपके और डाउट क्लियर करने वाला हूं। आप सारे एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी में, इसके बाद आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
और नहीं तो पूरा वीडियो देखें, आपको निश्चित ही समझ में आने वाला है और सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं प्रपोजिशन की इस क्लास में, क्योंकि दूर रहेगी आपकी पूरी का पूरी दमदार क्लास और पर्दाफाश करने वाली क्लास। चलिए अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि दो के एफ के बीच में बिटवीन का यूज किया जाता है, यहाँ एग्जाम्पल दी। और खास बात तो यह है दोस्तों कि मेरी क्लास में मैं वो चीज बताता हूं जो कोई नहीं बताता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि दो के एफ के बीच में आपको एक आइडेंटिटी यानी कि पहचानने के लिए यहां पर सब लोग बता रहे हैं एंड आएगा बीच में, एंड लिखा रहता है तब आपको बिटवीन का यूज करना है और एंड नहीं लिखा है तो एमन का यूज करना है। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस मेरे पास है जो मैं अलग से आपको बताना चाहता हूं, इसको आपको नोट कर लेना और इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपका किसी अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये गलत भी हो सकता है। या अलग बात क्या है, जैसे एग्जाम्पल से मैंने बताया द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डॉट डॉट बोथ ब्रदर्स। अब यहां पर बोथ आ गया, बोथ का मतलब क्या होता है दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है दोस्तों दोनों। अब यहां एन नहीं लिखा है लेकिन बोथ है, यदि बोथ शब्द है तो आपको बिटवीन का यूज करना है, ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये कोई नहीं बताता है। द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, धन को बराबर बराबर बांट दिया गया दोनों भाइयों के बीच में, बोथ यहां पर। यदि बोथ भी ना होता, यदि मैं यहां पर टू विदा कर दूं और बोथ को रिमूव कर दूं तब भी आप यहां पर बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि बात सिर्फ दो की हो रही है, वहां एंड का यूज नहीं है, ये चीज नोट कर लीजिए। टी डब्ल्यू टू, यदि टू लिखा है चाहे टू प्लेसेस हो, टू ब्रदर्स हो, टू पीपल हो, टू टू कुछ भी हो या बोथ का यूज हुआ हो तो आपको बिटवीन का यूज करना है। लिखो अभी अभी नोट कर लो इस चीज को। चलिए मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है जो कोई नहीं बताता है, और उसके बाद और अदर एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल्स और हैं। आई कैन नॉट डिसाइड बिटवीन रेड एंड ब्लू मार्कर, मैं अभी यही बात कर रहा था दो के लिए ना, ये सारे एग्जाम्पल्स तो इसी पर डिपेंड है, इसी बात पर है कि दो के अर्थ के बीच में बिटवीन का यूज किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ के बीच में या के मध्य में। आई कैन नॉट डिसाइड रेड एंड ब्लू मार्कर, मैं ब्लू और रेड मार्कर के बीच में निर्णय नहीं ले सकता हूं, यहां पर दो कलर के मार्कर हैं जिसके बीच में मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं, दो थिंग्स की बात हुई। और एमंग में देखिए दोस्तों, एमंग का और देखें आप, एमंग में मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिया, यहां दो से ज्यादा मोर देन टू, दो से ज्यादा के अर्थ में एमंग का यूज किया जाता है। आई कांट डिसाइड दीज मार्कर यानी ये मार्कर यानी कि दो से ज्यादा, मैं इन मार्करों के बीच में निर्णय नहीं ले सकता, यहां पर दीज मार्कर लिखा है ये, तो ये दीज मार्कर यानी कि ये दो से ज्यादा है, तो ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को बिटवीन और अमंग के बीच में जो डिफरेंस है ना, जो अंतर है, वो भली भांति आपको समझ आ गया होगा। और एग्जाम्पल्स भी देख लें आप। चलिए मीना इज सिटिंग मोहन एंड श्याम, मी यहाँ पे क्या है एंड है, यहाँ पर दो पर्सन है, एक मोहन है एक श्याम है, क्या है एक मोहन है एक श्याम है, यानी कि दो पर्सन है, यानी कि दो के अर्थ के बीच में, यानी कि बिटवीन, मीना इज सिटिंग बिटवीन, मीना बैठ रही है मोहन और श्याम के बीच में। यहां पर देखिए आप एमंग के लिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, मीना इज सिटिंग एमंग द बॉयज, यहाँ जो बॉयज हैं जो लड़के हैं ये दो से ज्यादा हैं, यानी कि मोहन और श्याम के अलावा और भी तीसरा चौथा पांचवा आठ दस बच्चे हैं जिसके बीच में मीना बैठ रही है, यानी कि मोर देन टू, दो से ज्यादा के अर्थ के बीच में अमाउंट को यहाँ पर फिल कर दिया मैंने, अमाउंट यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल लिखा है कि डिवाइड दीज मैंगोस, इन आमों को बांट दीजिए बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और हमारे बीच में,
बोला यहाँ पर यू है और मी है, दो लोगों के बीच है, बांटने की बात हो रही है आमों की, और यहाँ पर डिवाइड दीज मैंगोज, यहाँ आमों को बांटने की बात कितने लोगों में हो रही है, मोर देन टू, द चिल्ड्रन अमंग द चिल्ड्रन, यानी दो से ज्यादा यानी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बीच में आम बांटने की बात की जा रही है ना। ऑर्डर है यहाँ पर, ये सेंटेंस इंपरेटिव आदेशात्मक, इसलिए मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑर्डर है, इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक सेंटेंस है, आम बांटने की बात ऑर्डर कर रहा है। लिखा है कॉन्टेक्ट अस, मुझे कॉन्टेक्ट करिए, इंपरेटिव है, सेंटेंस आदेशात्मक है, बिटवीन 7 AM एंड 7 PM, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच में आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, ये टाइमिंग की अवधि है, मैंने टाइम का लिखा है ना। जैसे मैंने कहा कि हमारे टीचर्स 1 और 2 बजे के बीच में आते हैं, या वह रात में 10 और 11 बजे के बीच में सोता है, तो ही स्लीप्स बिटवीन 11 and 12, राइट ना। एम पी एम कुछ भी हो सकता है, आप सुबह का भी बता सकते हैं और शाम का भी बता सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटेंस आपको बताएगा या आप बताएंगे यदि स्पीकिंग में बोल रहे हैं तो। इसके बाद एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर एक चीज नोट कर ले आप लोग, डिफरेंस की यदि बात आती है तो वहां पर हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं, यानी डिफरेंस के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, किसके लिए बच्चों, डिफरेंस अंतर बताने के लिए, चाहे वो हिंदी इंग्लिश में अंतर हो, चाहे दो व्यक्ति के बीच में अंतर हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में या व्यक्ति के बारे में या समय के बारे में। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस प्रेजेंट एंड पास्ट ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए यहां पर। इसके बाद मैंने यहां पर भी कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एमंग का दिए, तो एमंग का कुछ एग्जाम्पल, ही हैज डोनेटेड ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन दान कर दिया है एमंग द पुअर, गरीबों के बीच में, पुअर क्या है, बहुवचन है, मोर देन टू, दो से ज्यादा, यहाँ पर एमंग का यूज होगा, उसने अपना सारा धन गरीबों के बीच में बांट दिया है, या कभी गरीबों के बीच में दान कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन, आप और मेरे बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर भी दो लोग हैं, एक यू है एक मी, यहाँ पर दो लोग हैं, है ना, राइट। मुझे ऐसा है दोस्तों कि ये जो क्लास तेज तरह एक शानदार एक सर्जिकल स्ट्राइक को पर्दाफाश करने वाली ये क्लास थी प्रीपोजिशन की, क्योंकि प्रीपोजिशन दुनिया के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को क्लियर करना होता है, बिल्कुल डाउट में नहीं पढ़ना होता है, यदि आप डाउट में रहेंगे तो जिंदगी भर आप अपाहिज रहेंगे, ये बात लिख लीजिए, इसलिए आप मेरे साथ बनिए भारत के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल में, और मनमोहन सर के साथ बनिए आप ना, तभी मैं आपकी सारे समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ, और आप अपनी अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा ही इज सिटिंग, यहाँ पर लिखा ही इज सिटिंग, ये अमंग का एग्जाम्पल है, अमंग का एग्जाम्पल और देख रहे हैं आप, ही इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मोर देन टू, दो से ज्यादा दोस्त, वह अपने दोस्तों के बीच में बैठ रहा है। हु इज द बेस्ट, यहाँ पर लिखा है हु इज द बेस्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज द बेस्ट अमंग देम, ये देम है यानी कि बहुवचन है, ये ज्यादा है, देख रहे वजह से होता है देम ना, और ऑब्जेक्टिव केस भी, सॉरी दे का देम ऑब्जेक्टिव केस, दे का देम ऑब्जेक्टिव केस रहता है, यहाँ पर बहुवचन की बात की जा रही है, दो से ज्यादा की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। Who is the best among them? उनके बीच में बेस्ट कौन है? Among वाले के बीच में की मद में बार बार बता चुका हूं और लिखा भी है, तो आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में आपको मैं बता दूं कि निश्चित रूप से आपकी क्लास आपको समझ आ गई होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना, यदि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित रूप से मुझे आप बताएं कि बिटवीन और अमंग के बीच में आपको क्या दिक्कत आ रही है।
और जो मैंने नई बात बताई है जो कोई भी टीचर नहीं बताता उसको जरूर आपको नोट कर लेना है ना। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताई है, वो बात ये है कि जब भी आपका सेंटेंस बिटवीन वाला होता है ना, बीच में आप बिटवीन को भरते हैं, तो बिटवीन के बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, आप के बीच में और मेरे बीच में क्या संबंध है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यू है और यहाँ पर मी है। यदि यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना जरूरी है, नॉमिनेटिव केस होना जरूरी नहीं है। यदि आपका नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस आता है तो इसका मतलब है सेंटेंस गलत है। आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप वहां पर आप याद रखें कि वो सेंटेंस आपका गलत होगा, क्योंकि यहां पर यदि आई कर दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, आई नॉमिनेटिव केस है यानी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। तो इसमें आप बिटवीन को फिल भी कर देंगे उसके बावजूद भी आपका गलत माना जाएगा यदि आपने यहां नहीं समझा तो, क्योंकि इसी प्रकार का एक और अगर एग्जाम्पल हो सकता है जहां पर आपको दिक्कत जा रही, तो आपको ये चीज आप नोट कर लें कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है ना कि नॉमिनेटिव केस का, इसलिए मैं यहां पर मी लिखा है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। धन्यवाद, आज की इस क्लास में, आगे क्लास में फिर से मिलता हूँ।